एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज सुमे सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। सोने का बंगला चंदन का जंगला, सोने का बंगला चंदन का जंगला। ऐसा कहा जाता है कि यह जब भी खून की कमी होती है तब अक्सर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और यहाँ पे खून की कमी हमेशा ही होती है। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। पापा, वो डॉक्यूमेंट्स दिए थे मैंने आपको, वो आपने साइन किया? ये हमारे घर के कागजात है ना। क्या फर्क पड़ता है किसके कागजात है, आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? ये घर इसे मैंने नहीं बनाया बेटा, इसे तुम्हारे दादाजी के दादाजी ने बनाया 2 साल पहले। इस घर के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई है, इस घर से उन सबकी यादें जुड़ी हुई है। घर उनका है, तुम्हारी माँ का है, इसे बेच नहीं सकते, हमारे साथ ही रहेगा। पापा, गोलियां खा लेना। हाँ, तू मेरा अच्छा बेटा है। पापा। यस बेटा। व्हाई डिड दादाजी डाई? सब कभी ना कभी मरते हैं, कुछ जल्दी कुछ बाद में, कुछ कहानियों को खत्म होना पड़ता है तभी तो नई कहानियों की शुरुआत होती है। तो हम दादा की फोटो क्यों लगाते हैं पापा? बेटा, बीते हुए कल को याद रखते ही अपने आगे की मंजिल तय करनी पड़ती है। आप भी कभी चल बसोगे पापा?
बहुत जल्दी है तुम्हें मुझे ऊपर पहुंचाने की। बस बस पूछ रही थी पापा, वो लोग बोल रहे थे कि दादाजी ने अपनी जान ले ली, सच है क्या? उन्होंने गलत दवाई ले ली? बहुत सवाल पूछने लगी हो तुम। अब चुप बैठो या फिर अपने रूम में जाओ। बेटा ये क्या कर रहे हो? जाओ अपना रूम साफ करो। अरे वो अंकल आने वाले हैं ना, उनको रूम अच्छा दिखना चाहिए। पर वो जाओ हमारा घर क्यों देखना चाहते हैं? बेटा, अगर उन्हें हमारा घर पसंद आए ना तो वो ये घर खरीद लेंगे और हम मुंबई में एक बड़े से घर में रहने जाएंगे। वहां पर बिल्डिंग्स, गाड़ियां, स्कूल सब देखना है ना, तो जाओ अपना रूम साफ करो। तुम मेरी अच्छी बेटी हो। पापा, आई मिस यू पापा। दादाजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। पापा, दादाजी, पापा, पापा, दादाजी। एक बड़े आदमी ने कर लिया एक गरीब के खेत पे कब्जा, और कहा ये खेत है मेरा, तू लड़ ले या दब जा। उसकी लाने अकल ठिकाने, वो किसान गया फिर थाने, थानेदार ने कहा ला पैसे, फिर ऊपर वाला जाने। जल्दी ही समझ गया बंदा, ऐसे ही चलता देश है भाई, जिसके हाथ में लाठी उसकी ही होती भैंस है। अब बंबई शहर में आ
जाकर वो चला रहा है रिक्शा और सोच रहा बच्चों